दोस्तों, इतना कमज़ोर बन के अगर दुनिया में जियोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप परमात्मा को बहुत शर्मिंदा कर रहे हो। हजारों वायरस हमारे इस जीवन में आएंगे जाएंगे दोस्तों। आज अगर तुम इन चीज़ों का ही अगर तुम सदुपयोग कर लो ना, जो तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें सचमुच जीवन में कोई वायरस कभी तंग नहीं कर पाएगा। बता रहा हूँ, निकलो इस भ्रम से और जानो और जुड़ो इस परमात्मा के सत्य के साथ। मुझे अजीब सा लगता है कि मानव इतना शक्तिशाली होकर, इतना असहाय होकर इस धरती पर एक वायरस से डर डर के जी रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि परमात्मा भी ऐसा पूछता होगा, और क्या दूँ भाई तुम्हें। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, आत्मा जगत का विज्ञान, आज हमारे पास में गीता का ज्ञान, आज हमारे पास में गुरु ग्रंथ का ज्ञान, कुरान का ज्ञान, आज हमारे पास सब तरह के ज्ञान है हमारे पास में, उसके बावजूद भी हम इतने कमज़ोर, आज हम इतने असहाय और हम इन वायरसों से डर डर के जी रहे हैं। हजारों वायरस हमारे इस जीवन में आएंगे जाएंगे दोस्तों। आज अगर तुम इन चीज़ों का ही अगर तुम सदुपयोग कर लो ना, जो तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें सचमुच जीवन में कोई वायरस कभी तंग नहीं कर पाएगा। बता रहा हूँ, परमात्मा ने आपको ना बिल्कुल एकदम अपनी तरह शक्तिशाली संसार में बना के भेजा है, लेकिन बदनसीबी है हमारी कि आज हम अपनी आंतरिक क्षमताएं और परमात्मा की क्षमताएं और ब्रह्मांड की क्षमताओं पर भरोसा करने के बजाय हम सिर्फ एक फैक्ट्री में पैदा हुई मेडिसिन पे भरोसा करना चाहते हैं। हम इन व्यापारियों के, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के व्यापारियों के से पैदा की गई दवाओं पे भरोसा करना चाहते हैं। आज हम वैक्सीनेशन पे भरोसा करना चाहते हैं। आज हम डॉक्टरों पे भरोसा करना चाहते हैं। बस हम और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहते। आज इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं ना, लोग सब भूल गए, भगवान भूल गए, भक्ति भूल गए, सब भूल गए, सारे मंदिर भूल गए, सारे ग्रंथ भूल गए, सारी शक्तियां भूल गए, बस सिर्फ याद क्या रख रहे हैं, दवा और वैक्सीनेशन हॉस्पिटल बस। दोस्तों, इतना कमज़ोर बन के अगर दुनिया में जियोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप परमात्मा को बहुत शर्मिंदा कर रहे हो, बहुत शर्मिंदा कर रहे हो। तो इसलिए जागिए, आप परमात्मा के पुत्र हो, आपके अंदर सब कुछ है, आपके चारों तरफ जीवन संचालन के लिए सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जिंदा रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तुम्हें मारने के लिए स्ट्रगल नहीं करता है। और हमारा शरीर कैसा बनाया मालूम है, बीमार पड़ना बहुत मुश्किल है, बता रहा हूँ, बिल्कुल फल की तरफ पककर संसार से जाने के लिए डिजाइंड है। सतम जीवे में सरल, 100 साल तक जीने के लिए डिजाइंड है, उसके बावजूद भी तुम मर मर के जी रहे हो, डर डर के जी रहे हो, और बाहर से इम्यूनिटी और हेल्थ पाने की कोशिश कर रहे हो। निकलो इस भ्रम से और जानो और जुड़ो इस परमात्मा के सत्य के साथ, तो तुम्हें जीवन जीने का मजा आने लग जाएगा। हजारों वायरस आएंगे, हजारों वायरस जाएंगे, और वायरस में हम जिएंगे, लेकिन तुम्हें भरोसा करना है परमात्मा पे, अपने सेल्फ हीलिंग पावर पर और अपने खान पान पर। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और बस थोड़ा सा जगाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आशा है आपको पसंद आया होगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा अगले वीडियो में।